सिंहभूम लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी जोबा मांझी इन दिनों गांव गांव जाकर लोगों से मिल रही है और उनसे वोट की अपील कर रही है। समाचार प्लस से खास बातचीत के दौरान जोबा मांझी ने कहा कि सिंहभूम में सांसद से जनता में नाराजगी है, साथ ही कहा कि लोगों का विचार बदला है, इस चुनाव में गठबंधन की ही जीत होगी। जोबा मांझी से खास बातचीत के हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह ने। तीसरे चरण के मतदान का दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक वैसे वैसे नेताओं के जो प्रचार की गति है वो भी बढ़ती जा रही है। आपको एक तस्वीर हम जमशेदपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर सिंहभूम लोकसभा सीट की दिखाते हैं, जहां जेएमएम कांग्रेस की साझा प्रत्याशी जो है जोबा मांझी गांव क्षेत्र में पहुंची है और ये सरायकेला का क्षेत्र है जहां गांव में पहुंची है और गांव के लोगों के साथ वार्तालाप कर रही है, साथ में वोट की अपील भी कर रही है। वो जानती है कि गांव क्षेत्र की जो वोट की कीमत क्या है, चूँकि गाँव के क्षेत्र से अगर वोट किसी भी प्रत्याशी को कम पड़ता है तो जाहिर सी बात है जो शहर का वोट परसेंटेज है वो कम होता है और चुनाव का जो प्रतिशत है वो घट जाएगा। तो इस तरह से गाँव क्षेत्र में पहुँची और गांव क्षेत्र के साथ एक वार्तालाप करके समझाना चाहती है कि गीता कोड़ा ने क्या किया और हम जीत के आएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन लोग बताते हैं मैम कि नेता आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं, भूल जाते हैं, ऐसे में कैसे जीत आपकी सुनिश्चित होगी? क्योंकि गीता कोड़ा के बारे में हमने बगल गांव से पूछा, आपके बारे में बगल गांव से पूछा, आपके बारे में भी लोग बताते हैं कि मैडम विधायक थी, अब सांसद बनने की राह पे है, कैसे उनको वोट दें, हम लोग सोच विचार कर रहे हैं। आप क्या मानती है कि सोच विचार के बीच में आपको लोग वोट करेंगे? निश्चित रूप से आप जितने यहाँ पर उपस्थित हैं इन्हीं लोग से आप पूछ लेंगे। देखिए, आज तो हमें ये जिला अपना ही जिला है और जहाँ तक आपने कहा कि अब विधायक जो मामा जी है कभी नहीं आए, आप उस तरह का हमारा जो माहौल भी नहीं था, फिर भी इस जिला में हमने कई बार आया है, एक मंत्री के रूप में आए हैं। आपने देखा होगा सरायकेला में बड़ा कार्यक्रम हमने कराया था, जितने भी सेल्फ स्वयं सहायता समूह का एसीजी ग्रुप और हमारे सेविका सहाय का इसका महासम्मेलन हमने कराया, एक एक गांव से हमारे सभी सही सेविका सहाय का बहने गई थी, टंगरायनी में एक कार्यक्रम किया। ये हमारे लिए नया क्षेत्र नहीं है। और रहा सवाल, ये बहने हमारे ये मतदाता मौका देती है, महागठबंधन को साथ देती है, ये हमें विश्वास है। यहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री कई बार विधायक बने हैं और इन्हीं का बदौलत, इन्हीं का साथ से, इन्हीं का प्यार से, इन्हीं का मद से, और हमें 13 मई को भी यही मद, यही एकजुटता साथ मिल करके इंडिया गठबंधन को जिताएंगे और मत देख करके भारी बहुमत से जीतेंगे। रिस्पांस मिल रहा है गांव में क्या क्या? से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस है और ये पुराना है, हमारे जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और एक एक जनता उनके साथ जुड़े हुए हैं और यही रिस्पांस, यही इन लोग का सहयोग, हमें कई गांव आज हमको दौरा करने का मिलने का अवसर मिला है और यही हमने इन लोग से कहा है कि भाई आप हमें मत कीजिए, आप हमें विश्वास करिए और महागठबंधन को साथ दीजिए। आने वाला समय में जैसा हमारे मनोहरपुर में हम जिस तरह से जनता के साथ हमारा एक प्रेम बंधा है, वो हमेशा हमेशा आपके साथ भी बंधा रहेगा, ये विश्वास हमेशा बना रहेगा। मैडम, देखा जाता है कि गांव क्षेत्र में बड़ी बड़ी समस्याएं जो है सिर उठाए खड़े रहती है, पलायन की समस्या बड़ी समस्या इस क्षेत्र में, शिक्षा लगभग नहीं के बराबर है, ऐसे में चुनाव का हारना जितना अलग समस्या है, लेकिन समस्याओं का निदान कैसे होगा? नहीं, निश्चित रूप से उसका निदान होगा। आपने देखा कि 5 साल पहले कई ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल, प्राइमरी स्कूल को आपने मर्ज कर दिया था, आपने स्कूल को बंद कर दिया था, आप ये आप किसी ने भी किया है लेकिन बंद किया था, हमारे जो हेमंत सोरेन की सरकार बनी और पुनः उन स्कूल को वापस करने का इन्होंने निर्णय लिया। इसीलिए हम इस तरह से नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हमारे गठबंधन की सरकार राजहित के लिए, जनहित के लिए बहुत सारा ऐसा कार्य योजना को चालू किया है और धरातल पर भी उतरा है, इसलिए हमें विश्वास है कि आने वाला चुनाव जो 13 मई को जो होने जा रहा है ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा और इंडिया गठबंधन अपना जीत हासिल करेगा। मैडम, यही दावा गीता कोड़ा भी कर रही है कि 13 तारीख को वो जीतेगी और वो रिपीट कर जाएगी, आप भी वही दावा करते हैं? नहीं, हमें वो दावा नहीं कर रहे हैं, ये महागठबंधन को पहली बार मिला है, पिछले बार 2019 का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में यही मतदाता, यही माननीय विधायकगण, यही मंत्रीगण उनको साथ दिया था, लेकिन आज वो समय बदल गया है, जनता का सोच बदला है, जनता का ये विचार बदला है,
महागठबंधन के पक्ष में विचार है और महागठबंधन को भारी बहुमत से जीत करेंगी, ये हमें विश्वास है। तो ये जोभा मांझी मैडम है जो साफ तौर पे बताती है कि बदलाव के तरफ जनता जा चुकी है, जनता का साफ तौर पे कहना है कि अब बदलने की ज़रूरत है और 13 तारीख को भारी मतों से उनकी विजय सुनिश्चित है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, सिंहभूम।